हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनालीस वर्ल्ड। सो गाइस, आप सोचते होंगे मैं यहाँ पे सैलून में क्यों हूँ और मैं ये वीडियो क्यों बता रही हूँ। सो गाइस, आपको पता नहीं होगा मेरे सिस्टर का एंगेजमेंट था। सो मैं सबसे पहले डे वन पे सैलून में आई थी और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था। बहुत रश होने की वजह से मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा क्लिप्स शूट किया जाए। सो मैंने वीडियो स्टार्ट किया यहीं से ही एंड आ गया कि देखिए आप पता है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा वॉइस था। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉइस था, पूरा फुल था बिकॉज नवरात्रि था, सब फुल था। नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे आई थी मेहंदी निकालने के लिए बिकॉज मेरी सिस्टर को मेहंदी निकालना था। सो नेक्स्ट डे यहाँ पे हम जा रहे थे स्टेशन की तरफ मेहंदी निकालने एंड बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेहंदी निकाला था, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मेरी सिस्टर मेहंदी निकाल रही है, उसने सिंपल ही मेहंदी निकाला था बिकॉज ब्राइडल मेहंदी नहीं निकाला था एंगेजमेंट के लिए, बहुत ही सिंपल निकाला था। सिस्टर मेहंदी निकाल रही है उसका एंगेजमेंट एंड अब मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, मेहंदी निकाल रही हूँ, बस मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउडी एरिया है, तो इतने क्राउड के अंदर भी मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही हूँ। एंड यहाँ पर कोरोना के टाइम पर आधे लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ है। सो उसका मेहंदी यहाँ पे रेडी हो गया था। ज़्यादा से ज़्यादा उसके मेहंदी निकालने में ऑलमोस्ट 1 आवर लग गया था। एक्चुअली उनके पास बहुत सारे वेटिंग पे भी थे मेहंदी निकालने, तो उन्होंने फटाफट निकाल दिया था। सो ये उसका फाइनल मेहंदी का फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। बताऊंगी आगे आगे मैं क्या क्या लेंगे, शॉपिंग करेंगे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है तो आवाज़ से पता नहीं चलेगा, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सो भिवंडी आने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था बिकॉज़ हमें बहुत सारा शॉपिंग करना था। सो सबसे पहले ड्राई फ्रूट की शॉप में गए थे हम, उसके बाद में हम कपड़े लेने के लिए गए थे कपड़े की शॉप बॉयज़ के लिए। सो यहाँ पे पूरा कपड़े का कलेक्शन मैं दिखा रही हूँ। ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, इसके बाद मैंने व्लॉगिंग ही नहीं किया बिकॉज बहुत धूप था। सो आते वक्त हम घर पर आने के टाइम पर मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके डाला था। बहुत सारा भीड़ भी था, बहुत धूप था, सो कुछ शूट नहीं कर पाई मैं। आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे फ़ोटो, देख लीजिए। नेक्स्ट डे भिवंडी आने के बाद में हम लोगों ने सारा पैकिंग किया था और इस तरह से पैकिंग करके सारा सामान एक जगह पर रख दिया था नेक्स्ट डे के लिए बिकॉज नेक्स्ट डे एंगेजमेंट था। सो ये सारे गिफ्ट्स पैक कर लिए थे हम लोगों ने उनको देने के लिए। ज़्यादा कोई शूट नहीं किया है गाइज मैंने बिकॉज जिसके घर में शादी हो या कोई भी फंक्शन हो बहुत ही ज़्यादा काम होता है। सो नेक्स्ट डे हॉल पे मैंने थोड़ा सा क्लिप डाला था मेकअप करने के टाइम पे, और यहाँ पे मेरा मेकअप हो रहा है, ये मेरी मेकअप पार्लर वाली है। सो मेरा मेकअप यहाँ पे हो रहा था, फर्स्ट उन्होंने आईज से मेकअप स्टार्ट किया था मेरा, बहुत ही अच्छे से मेकअप किया था उन्होंने, बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेकअप प्लस हेयर स्टाइल दोनों किया था। आप आगे देखिए क्या क्या मेकअप कैसे कैसे करते हैं। इसके बाद में उन्होंने मेरे फेस पे प्राइमर लगाया था, और उसके बाद में यहाँ पे फाउंडेशन लगाया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन लगाते हैं मेकअप करने के टाइम पे, आपको पूरा भूत बनाते हैं, उसके बाद में अच्छे से आपको लुक क्रिएट करते। बहुत ही ज़्यादा बेस लगाते हैं बिकॉज़ उनको मेकअप जब भी करती हो ना गाइज, आप कोई भी फंक्शन के लिए, तो कोई भी पार्लर वाली मेकअप आर्टिस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा फेस पे मेकअप लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेस लगाएंगे बिकॉज उनका ये होता है कि आपके जो भी स्किन पे डार्क हो, पिंपल्स हो, जो भी अपने स्किन पे चीज़ वो अच्छे से हाइड करते हैं, जो अपने स्किन पे मतलब कि बाहर ना दिखे। इसके बाद में वो मेरे फेस पे हाइलाइटर लगा रहे थे, बहुत ही अच्छे से फटाफट किया था। मुझे लगता है मैं हाफ एन आवर में ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। और यहाँ पे अब मेरा हेयर स्टाइल बना रहे हो बिकॉज़ उन्होंने हेयर स्टाइल के लिए, मेरे हेयर्स के लिए कोई भी बन नहीं लाया था, या आप बोल सकते हो कोई भी ब्रॉच नहीं लाया था। उनको ऐसा लगा था मेरे हेयर्स बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है,
सो उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं लाई थी। सो मेरे हेयर से उन्होंने एक ऐसे ब्रॉच टाइप ही क्रिएट किया था हेयर स्टाइल, आप देखना आगे वीडियो में। और अब मैं दिखाऊंगी मेरा फाइनल लुक। सो गाइस ये मेरा फाइनल लुक है ये, और मैंने इस तरह का पीच कलर का गाउन पहना था, बहुत ही प्रीटी लग रहा था ये। सो बस इतना से मेरा फाइनल लुक था ये, और ये मेरे ओरिजिनल हेयर से। मैं यहाँ पे मेरे सिस्टर की पिक भी ऐड करूँगी। सो बस इतना ही मैंने शूट किया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।